फ्रेंड्स वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे एक बहुत खूबसूरत ब्रॉड बॉर्डर डिज़ाइन जिसको मैंने एक सिंपल ड्रेस के बॉर्डर पे किया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत है। बट ऑनेस्टली बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों ये कैमरा के सामने ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है जितना कि ये सामने बहुत खूबसूरत है। आप कोई भी सिंपल साड़ी के बॉर्डर पे, जिसके बॉर्डर पे कोई वर्क नहीं है, आप उसके ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर सूट के बॉर्डर पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत आसान भी है इसको बनाना। और मेरी इस सूट पेंटिंग को, नेक डिज़ाइन को अगर पसंद है, इसके नीचे भी इसके वर्क है, तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पेंसिल से ऐसे देखिए, अब ऐसे मार्क कर लेना है हमें। ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसलिए मार्क करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ के हमें एक लंबा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ सर्कल छोटी छोटी करना है। ऐसे देखिए, अब मैं बस थोड़ी सी एक दो सर्कल ही बनाऊंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसके ऊपर ही हमें और एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए ऐसे, अब यहाँ हमें पेंसिल से आउटलाइन कर लेना है। मैं कोई ट्रेसिंग पेपर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये मैंने पेंसिल से नॉर्मली आउटलाइन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत टेढ़ी मेढ़ी होगा, मुझे पता है, बट क्या करूँगी, मुझे आउटलाइन कभी भी सीधा नहीं होता है, ये मेरे होता है ऐसा। और बाद में पेंट करने के टाइम ये सब मैंने मैनेज कर लूँगी, कलर से ठीक कर दूँगी। आप अच्छे से आउटलाइन करके फिर बना सकते। और अगर आप पहले मेरी वीडियोज़ अगर आप देखे होंगे तो आपको पता है मैं कभी आउटलाइन बना के पेंट नहीं करती हूँ, मुझे वो टफ लगता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसके ऊपर तो एक्चुअली मेरा नहीं होता है, इधर उधर ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करती हूँ। आप पहले अच्छे से आउटलाइन करके इसको कर सकते हैं। कलर के लिए आप देखिए, मैं फेविक्रिल के फेब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम ज़्यादातर उसको भी हम फैब्रिक कलर ही बोलते हैं, उसको भी कपड़े के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और फ्लैट ब्रश। इसके लिए आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन हमें लंबा और एकदम सीधा लाइन हमें ड्रॉ करना है। इसको आप 0 नंबर राउंड ब्रश से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ भी पहले की लाइन अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन को ड्रॉ कीजिए, नहीं तो कलर हाथ पे लग सकती है। ये बहुत होता है मेरे साथ, काफ़ी बार होता है, फिर हाथ से फिर ड्रेस के ऊपर लग के एकदम ड्रेस ख़राब हो जाती है। ये मैंने यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ करी हूँ, इसका मतलब ये नहीं आपको फ्लैट ब्रश ही यूज़ करना है, ऐसे कोई नेसेसरी नहीं है। आप राउंड ब्रश से भी ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम पहली बार पेंट करने के लिए ड्रेस के ऊपर पेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइप की ब्रशेज नहीं होती है। कोई बात नहीं, आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं। हाँ, आपको क्या होगा, थोड़ी टाइम आपको ज़्यादा लगेगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें मुझे बहुत आसान होता है और अच्छा लगता है इससे, इसके साथ काम करना बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए, क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए, क्योंकि मैं वीडियोस बनाती हूँ इसलिए। बट आप राउंड ब्रश से भी टाइम लेके इसको कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ब्रश के बैक साइड पे भी आप कर सकते हैं, बैक साइड पे कलर लेके, बट मुझे लगता है उसमें कलर बहुत वेस्ट होता है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बट उसमें क्या होता है, बहुत आसान होता है और सारे शेप एकदम प्रॉपर होता है। और कलर के लिए मैं बोलना ही भूल गई, ये मैंने लेमन येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। अब यह फ्लावर के लिए ऐसे पहले साइड पे आप देख सकते हैं, ये आउटलाइन करके फ्लावर को करना है। सॉरी, कैमरा थोड़ी ब्लर हो रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली, वेरी सॉरी। और डिज़ाइन करने के टाइम ड्रेस के नीचे कोई भी थिक पेपर रख दीजिए, ऐसा नहीं न्यूज़पेपर फोल्ड करके, न्यूज़पेपर बिल्कुल मत रखिए, कोई थिक पेपर या कार्डबोर्ड रख सकते हैं। अब देखिए, अब कैमरा ठीक है। अब अपने पसंद के कलर भी यूज़ कर सकते हैं।
ये मैंने रेयन सिल्क के ऊपर ये पेंट कर रही हूँ। पीछे बहुत ज़्यादा आ जाती है, एक्रेलिक कलर ज़्यादा आती है और फैब्रिक कलर थोड़ी कम पीछे बैक साइड पे आती है। पर रेयन के ऊपर मैंने कभी भी एक्रेलिक कलर से पेंट नहीं करती हूँ, या तो फिर फैब्रिक कलर से करती हूँ या फिर कोई भी पार्ल मेटेलिक कलर से करती हूँ। मुझे रेड के ऊपर मैंने बहुत सर्च की थी गूगल पे, तो देखा तो रेड के ऊपर ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऑनेस्टली ये सामने बहुत खूबसूरत है। पता नहीं ये कैमरे के लाइट पे क्यों, पता नहीं ये उतना ग्लो मुझे लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है, बट ये सामने बहुत खूबसूरत है। আর যদি বাঙালি হও, আমিও বাঙালি, আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও, যা যা জানতে চাও একদম পুরো পরিষ্কার আমাকে বাংলাতে কমেন্টে লিখতে পারো, কোনো ব্যাপার না। আর আমি সারাদিন কি কি করি, আমার একটা ব্লগের চ্যানেল আছে নতুন, তো সেটাও দেখতে পারো, আমি লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। ভালো লাগবে আমার মনে হয় তোমাদের, একবার দেখতে পারো। इस सारे आउटलाइन के लिए मैंने 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई 3D आउटलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, बट 3D आउटलाइनर मेरे पास अभी नहीं है। और मैंने देखा ये उतना मार्केट में जितना ये कलर मिलता है उतना वो कलर नहीं मिलता है। अगर आपके पास है तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको प्रेस करने में मुझे उंगली में बहुत दर्द होता है, उसको बहुत प्रेस करना पड़ता है। अब इसके अंदर देखिए अच्छे छोटी छोटी फ्लावर, फ्लावर नहीं ऐसे डिज़ाइन करना है हमें। अल्ट्रामेरिन ब्लू कलर में यूज़ कर रही हूँ। इसको ड्रेस को मेंटेन करना है कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सारे डिज़ाइन वॉश के बाद कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सारे ड्रेस मैंने खुद की ड्रेस के ऊपर करती हूँ। ये डिज़ाइन करके मैं गिफ्ट भी करती हूँ, जैसे मेरी सासू माँ को भी गिफ्ट की थी, मेरी बहन को, बहुत सारे मैंने किया है। बट ये किसी का भी कलर कुछ नहीं होता है, आप आसानी से इसे यूज़ करते हैं, कोई डरने की बात नहीं कि वॉश के बाद ये कलर छूट जाएगी कि नहीं, कुछ नहीं होता है। बट आपको ध्यान रखना है आप हाथ से ही इसको वॉश करें, अच्छा होगा कोई ईजी या अच्छे कोई डिटर्जेंट से इसको वॉश करें। और अगर आप ये फैब्रिक कलर यूज़ करते हैं तो आपको बैक साइड पे प्रेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप पार्ल कलर या फिर एक्रेलिक कलर से पेंट करते हैं तो बैक साइड पे ज़रूर एक बार प्रेस कर लीजिए। अब ये येलो के ऊपर छोटी छोटी डॉट्स करना है, देखिए ये अल्ट्रामेरिन ब्लू कलर से ही करना है। आपने देखा होगा ये बॉर्डर के लिए हमें ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं है, बस 3 ही कलर से इस डिज़ाइन को हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। ऊपर पे भी हमें सेम करना है जैसा कि हमने नीचे भी की थी, ऐसे ही हमें करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, आप किस टाइप की डिज़ाइन देखना पसंद करते हैं वो भी बोल सकते हैं, और इस डिज़ाइन आपको कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, और अच्छा नहीं भी लगे तो भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्राई करूँगी आपको और अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे। है ना बहुत खूबसूरत और बहुत ही आसान, ज़रूर ट्राई कीजिए अपने कोई भी ड्रेस के बॉर्डर पे या साड़ी के बॉर्डर पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई अच्छे वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।